आज हमारे डॉक टॉक में वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल हाइजीन एंड हेल्थ, लेकिन उसका जो ताल्लुक है आपकी स्माइल यकीनन लोगों के दिलों को पिघला भी सकती है, बदल भी सकती है उनको, और आपकी स्माइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि नाउ अ लॉट ऑफ द एस्थेटिक डेंटिस्ट आर कॉलिंग देमसेल्व्स स्माइल डिज़ाइनर्स, और सबको हॉलीवुड स्माइल चाहिए। दांत दिखने में भी अच्छे होने चाहिए, हाथी के दांत की तरह नहीं होने चाहिए कि दिखाने के और खाने के और खाने में आपको मसला हो। तो फंक्शनैलिटी प्लस द एस्थेटिक्स ऑफ इट, किस तरह आप ओवर द ईयर्स इसको मेंटेन करें, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो बुरी आदतें, लोग गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, च्युइंगम्स खा रहे हैं, इसके अलावा स्मोकिंग एट्सेट्रा, किस तरह ये हमारे दांतों को बर्बाद करती है, और एक अच्छी डेंटल रूटीन क्या होनी चाहिए, ऑल दोज डिटेल्स इन द शो टुडे। और इसके अलावा भी बाकी बातें करेंगे, कुछ आपके सवाल इम्प्लांट से रिलेटेड भी आए तो आर रेजिडेंट डेंटिस्ट हु वी ऑल रियली रियली लाइक, और अब बल्कि इनकी रवानगी है जी बड़ी जल्दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर फर्दर स्टडीज़, तो जानते हैं कि आज ये हमारे लिए क्या की इन्फॉर्मेशन लेके आए। वी हैव विद अस डॉक्टर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक चीज़ मुझे तंग कर रही है, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट अबाउट द इम्प्लांट्स, लोग आमतौर पर इसके बारे में सवाल करते हैं। आजकल लोगों ने कहा कि जी एस्थेटिक्स को छोड़िए, इम्प्लांट्स फंक्शनैलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खाने पीने के लिए, और उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अ लॉट ऑफ द मटेरियल्स दैट यू गेट आर ऑफ कोर्स इंपोर्टेड। क्या इम्पैक्ट आया है इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का ऑन डेंटल प्रोसीजर्स एंड द थिंग्स दैट यू गेट? इम्प्लांट्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बनते, हम इसको टर्की से, स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका से इम्पोर्ट करवाते हैं जी। तो जब डॉलर की प्राइस कन्वर्ट होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो जो इम्प्लांट इम्प्लांटोलॉजिस्ट 50,000-60,000 में करते थे कुछ सालों पहले, अब वो लाख मिनिमम 1,00,000-1,20,000 में। और ये फुल लाइफ चलता है? और ये असल देखें, अगर आपको डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब प्री डायबिटिक, तो आप मोस्टली समझ, हर थर्ड पाकिस्तानी प्री डायबिटिक होता है। लेकिन अगर आपने उसको कंट्रोल रखा हुआ है, स्मोकिंग क्रॉनिक है और आपने उसको कंट्रोल रखा हुआ है, वाइटामिन डी, जो कि सारे एसी में बैठने वाले जितने भी हमारे जैसे लोग हैं, हम अगर अपना वाइटामिन डी टेस्ट कराएंगे, हम तमाम लोग, मुझे पता है कि हम कम। तो अब उसके लिए ये करना है कि वाइटामिन डी हमारी सही होनी चाहिए, डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल होनी चाहिए, स्मोकिंग हमारी ठीक रहनी चाहिए। मतलब स्मोकिंग ठीक रहनी चाहिए, अगर हम करते हैं, देखें स्मोकिंग ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को थोप देते हैं कि आप स्मोकिंग बंद करते हैं, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, वी नो दिस। हमें उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करवाना है या फिर उन्हें दूसरे एक अल्टरनेटिव हमें बताने हैं। जो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब इतने ज़्यादा महंगे प्रोसीजर्स हैं, लोग ख्याल भी रखते हैं, लोग ब्रेसेस लगवा रहे हैं, इम्प्लांट्स करवा रहे हैं, वनीयर्स लगवा रहे हैं, ये बुरी आदतें लोग छोड़ देते हैं जब इतना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर चुके होते हैं? देखें, फिर हमें उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने में, और जब हम दिखाते हैं उन्हें कि ये चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको छालिया का बता देता हूँ कि हम केसेस, मैंने अपने क्लिनिक्स में कुछ केसेस और केस स्टडीज चलाता हूँ मैं, जिसमें हमने लाइफ स्टोरीज भी रखी हुई हैं पेशेंट्स की, कि क्या रिग्रेट उनको हुआ, किस तरीके से, देन वो किस ट्रीटमेंट, कितना खर्चा वाला था, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट किया गया, सारा कुछ तकलीफ, और बच्चों को क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी खराब हुई, तो उसके थ्रू काफ़ी इम्पैक्ट होता है। लेकिन हम किसी को भी ना थोप नहीं सकते, वी नीड टू अंडरस्टैंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब है कि अगर हम एक, मैं अगर एक नॉर्मल अपनी हाइजीन और स्केलिंग के लिए जाती हूँ, वापस आके मुझे चाय पीने से भी मुझे हो रहा होता है कि यार इसका स्टेन पड़ेगा। सो एक अपनी कॉग्निजेंस की बात होती है ना, कि जब आप अपनी ब्यूटी पे, अपनी एस्थेटिक्स पे, और एक तकलीफ से गुजरने के बाद आप एक दफ़ा अपने दांत की तकलीफ के साथ डेंटिस्ट के चले जाएं, उसके बाद आप खुद ही ख्याल रखने लगेंगे, एटलीस्ट एक दो हफ्ते तो असर रहता है। बहुत ज़्यादा इम्प्लांट प्रैक्टिस करता हूँ सीधा, तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ पर जब पेशेंट इम्प्लांट के लिए आता है ना, और जब हम उससे हिस्ट्री पूछना शुरू करते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ है, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं है डायबिटीज़, मेरे पेरेंट्स को था। एंड जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो डायबिटिक निकल आता है, साथ ही वाइटामिन डी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें इम्प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ये जो आपने स्टेनिंग वगैरह की बात की, 2 दिन पहले स्केलिंग की है मैंने पेशेंट की, उसका शेड मैच किया है उसके आर्टिफिशियल दांत के लिए, आने के लिए जा रहा हूँ तो एग्जैक्टली स्टेन वैसे ही हो गया जैसे मैंने सफाई 2 दिन पहले की। किस वजह से? कॉफी? उसकी वजह से देखें, एक तो ये ब्रशिंग की जो टेक्निक है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम दांतों को रगड़ते हैं, टेक्निक से साफ नहीं करते, फिर उसके नुकसान अलग हैं, मसूड़ों का रिसीड हो जाना, दांत का किस जाना, एब्रेशन जिसे कहते हैं। फिर साथ ही जो हम लोगों की जो एसिडिक इनटेक है, उसको जब हम एब्रेशन के साथ मिलाते हैं तो दांत इरोड होना भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो दांत मिसिंग है, उसको फौरन रिप्लेस ना करने की वजह से जो स्पेसिंग हो रही है,
दोनों तरफ से, ऊपर नीचे, ऊपर वाला दांत नीचे आ रहा है या नीचे वाला दांत ऊपर जा रहा है, और फिर दांतों में जो स्पेसिंग हो रही है वहां पर खला फंस फंस के कैविटी होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद टूथपिक का जो इस्तेमाल है, या फिर आजकल तो वो जो नई चीज़ है, मैंने दो दिन पहले एक पेशेंट आके मुझे दिखा रहा है मेरा यहाँ खाना फंस रहा है, अच्छा मैंने जब उसका निकाल दिया तो फिर वो चेक कैसे कर रहा है, उसने अपनी मेडिसिन का वो निकाला जो कोना होता है एग्जैक्टली फॉइल, और उससे हाँ अब सही है। तो कैन यू इमेजिन, तो इतनी इंजीरियस चीज़ें लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली कि ये तमाम चीज़ें हमारे दांत के लिए ठीक हैं। तो इसीलिए फ्लॉस इंट्रोड्यूस किया गया, फ्लॉसिंग का इस्तेमाल एक बड़ा रेगुलर रखें, साथ ही माउथ वॉश और डेंटल किट जैसे कहते हैं वो आपको अपने पास रेगुलर रखनी चाहिए। बच्चों के लिए भी आजकल छोटे बैटरी ऑपरेटेड टूथब्रशेस जो के रिवॉल्विंग रोटेटिंग हेड के साथ होते हैं, वुड यू रेकमेंड इट फॉर चिल्ड्रन अंडर 10? बिल्कुल रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर देखे, इसमें स्कूल्स का और फिर पेरेंट्स का दोनों का सुपरवाइज होनी चाहिए। अगर सुपरवाइज करके पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं तो देखें मैनुअल टेक्निक सबसे बेस्ट है, अदरवाइज अगर वो टेक्निक नहीं सीख पा रहा बच्चा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक में कोई। अच्छा, हार्ड डाइट, अक्सर दफ़ा जब आप देखें कि जब आपके मोलर्स यानी अकलदार निकलती है, मोस्ट डॉक्टर्स अगर वो टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है, आपको तकलीफ दे रही है, इन्फेक्शन है, तो कहते हैं आप इसको ऑपरेट आउट कर निकलवा दीजिए। तो और उसका एक बयानिया भी ये बनता है कि जी अब तो हमारी डाइट काफ़ी सॉफ्ट होती है, दाई अल्लाह मैंने एक स्पेयर पार्ट ही दिया हुआ था, आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, अपेंडिक्स की तरह होता है। हाँ जी, सही तो है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल, एक वेस्टिजियल पार्ट है, मानता हूँ उसको। और मैं लेकिन जो डेंटिस्ट उसकी रूट किनाल और फिलिंग की तरफ जाते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस उस वक्त होती है जब उसके एडजेसेंट दांत ख़राब हो चुके हों या फिर वो ना हो, फिर विजडम की एक वो समझ लें कि आपने व्हील, एक एक्स्ट्रा व्हील यूज़ किया। लेकिन अगर वो भी ठीक हैं और फिर वो टेढ़ा भी है, साथ वाले दांत को हिट भी कर रहा है, एंड यू कैन सी कि वो गम्स बार बार उसके ऊपर आ जाते हैं मसूड़े, तो फिर इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ इट। बट देन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन डेंटिस्ट नीड्स टू इन्फॉर्म दैट पेशेंट के कहीं वो उसकी लोकेशन जो है, कहीं वो आधा उसकी रूट्स नर्व के अंदर तो नहीं है, या फिर कोई एक एनाटॉमी उसकी कैसी है। और अगर इन केस ऐसा हो, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, तो फिर वो डिपेंड करता है, फिर पेशेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। कुछ लोग कह देते हैं ठीक है आप निकाल दें, हम दो महीने तक पैरेस्थीजिया बर्दाश्त कर लेंगे, मतलब उस एरिया को हम सुन बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि दो महीने में रीजनरेट कर जाता है। और अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसका ये तरीका होता है कि उसके ऊपर के हिस्सों को काट के निकाल दें, नीचे और उसकी रूट्स रहने दें उसको जिंदा रहने। सही है, और इसका कोई लॉन्ग टर्म हमें नुकसान नहीं, क्राउन एक्टिमी का कोई नुकसान नहीं। ठीक है, अच्छा जी आखिरी सवाल आपके लिए कि जितने एस्थेटिक्स आजकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, क्या ये लॉन्ग लास्टिक होते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए आया है, खास तौर पे लोग कहते हैं कि जी एक सर्टेन एज में पहुंचने के बाद बच्चों को ब्रेसेस लगवाने चाहिए, कुछ लोग ओल्ड एज में जाके, यानी ओल्ड से मुराद है कि पुख्ता उम्र में 20 साल 25 साल की उम्र में भी ब्रेसेस लगा रहे हैं, क्या इसके रिजल्ट्स लास्टिंग होते हैं? मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कि 2-3 साल 4 साल तक अलाइनर्स के करवाने के बाद बहुत खुश होते हैं, अचानक से आते हैं उनके रिलैप्स होकर उसी कंडीशन पे गए हुए होते हैं। अब वजह क्या है? रिटेनर ना पहना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। तो जहाँ से हमने खींचा था वहीं चले गए ना। नंबर टू, अब एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स पे क्राउन्स और जो आप वीनियर्स की बात करें, हम जितना ओरिजिनल दांत का ख्याल रखते हैं, अगर हमने उससे डबल फोल्ड इन वीनियर्स के क्राउन्स का ख्याल नहीं रखा तो दे विल बी रुइंड कम्प्लीटली। सो आर्टिफिशियल चीज़ का ख्याल ज़्यादा ही रखना होता है। बिल्कुल सही, जैसे खुदा के दिए हुए दांत आप उनको वीनियर से कंपेयर नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें जितने प्रोसीजर्स आप कराते हैं, ये हाई मेंटेनेंस पोजिशन प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह कहा जाता है ना कि आपका एक एक दांत, अगर आप अपनी पूरी ज़ात को देखेंगे सो यू विल रियलाइज़ कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर और कितने आप इसका कोई मोल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते हो, किसी चीज़ की तरफ जाना पड़ता है, फिर वो एक कॉस्ट वैल्यू, एक डॉलर वैल्यू आ जाती है, फिर आप ख्याल ज़्यादा रखते हैं। बहुत शुक्रिया अली फॉर बीइंग हियर विद अस।